सो यही गाइस मेरे पास वीवो का नया V27 Pro एंड आज हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखते हैं गाइस बॉक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। पर उससे पहले गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो ये वाला स्मार्टफोन गाइस मुझे करीब 40,000 के आसपास पड़ा एंड मेरे पास है गाइस 8 प्लस 256 GB वाला वेरियंट। तो यहाँ पर गाइस आपको बॉक्स ओपन करते हैं सबसे ऊपर आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। उसके नीचे गाइस आपको कुछ IMEI स्टिकर एंड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने को मिलता है। साथ में गाइस आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिलता है जो कि पूरा ट्रांसपेरेंट है। एक आपको USB टाइप A टू टाइप C केबल देखने को मिलता है। उसके नीचे आपको सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर गाइस आपको एक काफ़ी बड़ा सा चार्जिंग एडाप्टर भी देखने को मिलता है। तो यही गाइस कुछ चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो अभी तक गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे गाइस आपको इस स्मार्टफोन के साथ 80 वॉट का एडाप्टर देखने को मिलता है। हालांकि गाइस ये वाला स्मार्टफोन 666 वॉट का ही सपोर्ट करता है। सो यहाँ पर गाइस मैं इस स्मार्टफोन को रैप से निकल लेता हूँ। तो फर्स्ट लुक में गाइस ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देख सकते हैं गाइस आपको फ्रंट में 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। पीछे गाइस आपको कलर चेंजिंग बैक पैनल देखने को मिलता है एंड पीछे गाइस आपका जो ग्लास बैक है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। एक आपको सर्कुलर रिंग लाइट की आपको एक LED लाइट भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर गाइस मैं इस स्मार्टफोन को फटाफट से पावर ऑन कर लेता हूँ एंड कवर लगाने के बाद गाइस ये वाला स्मार्टफोन कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गाइस मैंने अपने स्मार्टफोन को सेटअप कर लिया। देख सकते हैं गाइस आपको कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिलता है। साइड में गाइस आपको 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि गाइस दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऊपर आपको प्रोफेशनल पोर्ट्रेट लिखा हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर बैक में आपको 50+ 8+2 का सेटअप देखने को मिलता है जो कि गाइस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है एंड आपको सामने भी 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इस वाले स्मार्टफोन में गाइस आपको काफ़ी सारे ब्लूटूथ भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले आपको 6.78 इंचेस की 120Hz वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। कैमरा के अंदर गाइस आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस वाले स्मार्टफोन में गाइस बहुत ही ज़्यादा फीचर दिए गए। यहाँ पर आपको 2x पोर्ट्रेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। वेडिंग फोटोग्राफी का भी गाइस ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स, काफ़ी सारे मूवी अलर्ट्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स या फिर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको नाइट मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइस आपको वीडियो में 4K 60fps, आपको फ्रंट में भी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बैक में भी गाइस आपको 4K 60fps का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्टेबिलेशन गाइस आपको 4K 30fps में देखने को मिल जाता है। V27 एंड V27 Pro में गाइस आपको एक डिफरेंस ये भी देखने को मिलता है कि आपको V27 Pro में आपको फ्रंट एंड रियर में आपको दोनों में 4K 60fps का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि V27 में आपको 4K 30fps का ही मैक्स सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड उस वाले स्मार्टफोन में गाइस आपको डायमेंसिटी 70 सीरीज़ का प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर देखने को मिलता है। इस वाले स्मार्टफोन में गाइस आपको बोके वीडियो का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये वाला और वीडियो ऑप्शन आपको 1080p 24fps में ही मैक्स सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा भी गाइस आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे लॉन्ग एक्सपोजर वगैरह। एंड यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं सेटिंग्स पैनल में भी जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट फोन में ये वाला स्मार्टफोन 8+256GB वाला वेरिएंट है। डायमेंसिटी 8200 आपको यहाँ पर चिपसेट देखने को मिलता है। PantageOS 13 एंड्रॉइड 13 पे ये वाला स्मार्टफोन रन कर रहा है एंड यहाँ पर गाइस आपको 4700mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 66 वॉट का आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है मैक्स। सो यही कुछ फीचर्स गाइस आपको इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। सो आज के इस वाले वीडियो के अंदर गाइस बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।